हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है, आप लोग देख रहे हैं वार्की टेक न्यूज। स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो। तो आज मैं करूंगा कंप्लीट कंपैरिजन हॉट 8 इन्फिनिक्स हॉट 8 का रियलमी सी टू से, और आपको बताऊंगा एंट्री लेवल फोन्स में इन दोनों में से कौन सा फोन बेस्ट है। वैसे तो इन्फिनिक्स हॉट 8 आती जो है वो धूम मचाती है, बहुत ही कमाल की स्पेक्स हैं, लेकिन इस प्राइसिंग में अब तक का जो किंग था वो रियलमी सी टू था। तो देखते हैं क्या इन्फिनिक्स हॉट 8 वाकई बहुत कमाल डिवाइस है या सिर्फ ऑन पेपर अच्छी है। तो स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो। हमेशा की तरह मैंने 5 फोन से कंपैरिजन किया है, बिल्ड क्वालिटी, स्क्रीन, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी और अदर फीचर मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताता रहूंगा। सबसे पहले बात करूं दोनों की बिल्ड क्वालिटी की, तो चाहे वो इन्फिनिक्स हॉट 8 हो या रियलमी सी टू हो, दोनों प्लास्टिक पे आते हैं, लेकिन लुकिंग फील दोनों की डिफरेंस है। सबसे पहले बात करूं अगर इन्फिनिक्स हॉट 8 की, तो वहां पर आपको एक ग्रेडियंट लुक मिलता है जो देखने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन इन दी एंड है प्लास्टिक, तो इस जो प्राइस पॉइंट है इसमें प्लास्टिक ही मिलता है आपको ज्यादातर। तो बिल्ड क्वालिटी मैं अच्छी कहूंगा, बुरी नहीं कहूंगा, और लुक्स तो बहुत ही कमाल है। लेकिन अगर बात करूं रियलमी सी टू की, तो वहां पर आपको जो है डायमंड कटिंग डिजाइन मिलता है, मैट फिनिश मिलता है, मतलब फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है फोन, और यहाँ पर आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है। तो दोनों जो है वो देखने में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, और दोनों जो लुकिंग फील है वो लगते नहीं है कितनी ये एंट्री लेवल के फोन है। अब मैं बात करूंगा दोनों की स्क्रीन की, तो यहाँ पर काफी डिफरेंस है। सबसे पहले बात करूं अगर इन्फिनिक्स हॉट 8 की, तो वहां पर आपको 6.5 इंच का एक बहुत ही बड़ा डिस्प्ले मिलता है। इससे पहले इस प्राइसिंग में इतना बड़ा डिस्प्ले किसी भी और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर ने नहीं दिया, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपको 6.5 इंच का एक बहुत ही बड़ा डिस्प्ले मिलता है। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले आपको 720 पिक्सल की स्क्रीन है और HD प्लस डिस्प्ले है, मतलब 720 पिक्सल डिस्प्ले है और IPS LCD पैनल है। तो यहाँ पर आपको जो रेजोल्यूशन है वो इतनी अच्छी तो नहीं मिलेगी, लेकिन इस प्राइसिंग के हवाले से स्क्रीन को बहुत ही बड़ा थम्स अप है हॉट 8 में इन्फिनिक्स। लेकिन अगर बात करूं रियलमी सी टू की, तो वहां पर आपको 6.1 इंच की स्क्रीन मिलती है और ये एक HD स्क्रीन है। यहाँ पर भी आपको IPS LCD पैनल मिलता है, 720 की स्क्रीन है। ये थोड़ी छोटी है इन्फिनिक्स हॉट 8 से, लेकिन ये भी अपनी प्राइसिंग में अब तक की सबसे बड़ी स्क्रीन थी। तो अगर बात करूं स्क्रीन की, तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन इन्फिनिक्स हॉट 8 में एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती, जबकि रियलमी सी टू में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 मिलता है। तो ये एक बात बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए तो हॉट 8 लें, अगर प्रोटेक्शन की तरफ जाएंगे तो रियलमी सी टू लें और छोटी स्क्रीन है। अब मैं बात करूं दोनों की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दोनों सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ भी फर्क है। सबसे बात करूं अगर दोनों के प्रोसेसर की, दोनों में आपको मीडिया टेक का हीलियो P22 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि अपने आप में बहुत ही कमाल प्रोसेसर है इस प्राइसिंग के फोन के लिए। इसमें आप PUBG जैसे गेम को लो सेटिंग पे विदाउट की लैग से खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप मीडियम सेटिंग करते हैं तो वहां पर आपको कभी कभार लैग देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी प्लेबल होता है। और जो डे टू डे यूजेज है वो तो कमाल ही है, मतलब आपकी कोई एप्स वगैरह ऐसे लैग नहीं करती, जब तक आपका OS को लैग है, मतलब आपका OS में कोई प्रॉब्लम है तो वो अलग बात है, लेकिन OS के अलावा यहाँ पर आपको जो डे टू डे यूज में कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। अगर सॉफ्टवेयर इश्यू है, OS इश्यू है तो अलग बात है। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस है दोनों की इस प्राइसिंग में, लेकिन इन्फिनिक्स हॉट 8 को थोड़ा सा एडवांटेज हासिल है, क्योंकि आपको 4GB और 64GB का वेरिएंट मिलता है। आप इससे पहले किसी भी फोन में इतने कम में आपको 64GB देखने को नहीं मिला, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज भी इन्फिनिक्स हॉट 8 के फेवर में जाती है कि वहां पर आपको एक तो रैम ज्यादा मिलती है और स्टोरेज भी ज्यादा मिलती है। तो परफॉर्मेंस में मैं इन्फिनिक्स हॉट 8 को पॉइंट दूंगा। अब मैं बात करूंगा दोनों की कैमरा की, तो किसी भी मोबाइल की जान होता है उसका कैमरा। आजकल लोग कैमरे से मोबाइल को पहचानते हैं, तो सबसे पहले बात करूं अगर रियलमी सी टू की, तो वहां पर आपको बैक पर दो कैमरे मिलते हैं, 13+2 मेगापिक्सल का, और जो मेन कैमरा है उसकी जो रियर कैमरे की पिक्चर्स हैं बहुत अच्छी आती है निकल के। लो लाइट में जो है पिक्चर सो आती है, मतलब अच्छी आती है। प्राइसिंग के हिसाब से लो लाइट में बहुत अच्छी डिटेलिंग आती है, बहुत अच्छी पिक्चर आती है, और डे लाइट में तो बहुत ही कमाल शूटिंग होती है।
ओवरऑल जो रियलमी सी टू का कैमरा है वो बहुत ही अच्छा है इस प्राइसिंग के हवाले से, और क्रोमा बूस्ट भी है यहाँ पर, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर जो है आपके कलर जो पंचर हो गए आते हैं जो कि अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन्फिनिक्स हॉट 8 की, तो वहां पर आपको तीन कैमरा मिलते हैं, 30 MP का मेन सेंसर, 2 MP का डेप्थ सेंसर, और तीसरा कैमरा जो है वो है लो लाइट सेंसर। अब वो क्यों है नहीं पता, लेकिन तीन कैमरे बनाए हुए हैं और पीछे की तरफ 4 LED फ्लैश हैं, एक साथ ही क्वाड एलईडी फ्लैश कहते हैं, तो लो लाइट में आपकी पिक्चर अच्छी आ जाएगी, जो बिल्कुल डार्क होते हैं फ्लैश के पिक्चर ले रहे। लेकिन ओवरऑल जो इन्फिनिक्स हॉट 8 की कैमरा क्वालिटी है वो डिसअपॉइंटेड है। मतलब अगर आप कैमरा फोन लेना चाह रहे हो तो रियलमी सी टू बेस्ट है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ दिखावे का अच्छा फोन मिले और प्रोसेसर अच्छा हो बैटरी अच्छी हो तो रियलमी हो तो इन्फिनिक्स हॉट 8। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बात कर रहा था कैमरा की, तो इन्फिनिक्स का जो हॉट 8 है कैमरा डे लाइट में नॉर्मल पिक्चर लेता है। मतलब डे लाइट में अगर पिक्चर लेंगे, अगर आप स्टडी हैं तो अच्छी पिक्चर आ जाएगी, लेकिन बहुत सारी पिक्चर डे लाइट में भी ऐसा होता है कि ब्लर होती है थोड़ी थोड़ी, और या तो फिर आपको जो है जो कलर सैचुरेशन है वो अच्छी नहीं मिलती। और लो लाइट में जो पिक्चर्स हैं वो मतलब ऐसी आती हैं कि ज़्यादा अगर कम डिम लाइट है तो यहाँ पर आपकी पिक्चर अच्छी नहीं आएगी, वो बात नहीं होगी। इस प्राइसिंग में आपको अगर कैमरा फोन चाहिए तो रियलमी सी टू का मेन कैमरा इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो बात करूँ अगर हॉट 8 कैमरे की, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप ऐसे बंदे हैं जो फोटोग्राफी इतनी नहीं करता, या तो आप इस फोन को जो है वो ले सकते हैं, वरना रियलमी सी टू का कैमरा ज़्यादा अच्छा है। अब मैं बात करूँगा दोनों के फ्रंट कैमरा की, तो रियलमी सी टू आपको 5 MP की सेल्फी मिलती है जो कि कमाल है, बहुत अच्छी है। मतलब इस प्राइसिंग में 5 MP की सेल्फी सुनने में तो कम लगता है, लेकिन ओवरऑल जो सेल्फी के रिजल्ट हैं काफ़ी अच्छे हैं, कलर्स अच्छे हैं, तो आपको एक मैं तो कहूँगा कि काम चलाओ सेल्फी मिल जाती है कि आप अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल सकते हैं और उसमें कोई इतनी ग्रेन पिंग नहीं होती। लेकिन अगर बात करूँ इन्फिनिक्स हॉट 8 की, तो वहाँ पर आपको 8 MP की सेल्फी मिलती है जो ज़्यादा है जाहिर सी बात है पिक्सल साइज, लेकिन यहाँ पर भी वही इशू है जो क्वालिटी है कैमरा की वो इतनी अच्छी नहीं है। मतलब सेल्फी की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, आपको ग्रेन देखने को मिलते हैं, आपको जो डिम लो लाइट में जो है ये सेल्फी इतनी अच्छी काम नहीं करती, लेकिन ओवरऑल जो है डे लाइट में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो कैमरा के लिहाज से मैं रियलमी सी टू को ही पॉइंट दूंगा, क्योंकि इन्फिनिक्स हॉट 8 कैमरा इतना अच्छा नहीं है। अब मैं बात करूँ दोनों की बैटरी की, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स बहुत ही बड़े मार्जिन से जीतता है। इन्फिनिक्स मिलती है आपको 5000 mAh की बैटरी, और इन्फिनिक्स का जो बैटरी का जो ऑप्टिमाइजेशन है बहुत अच्छी है। मैंने इन्फिनिक्स S4 भी यूज़ किया था, उसमें भी बैटरी बहुत अच्छी थी, तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 2 दिन आराम से बैटरी मिलेगी अगर आप बहुत ही हैवी यूज़र हैं, और अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं आपको 3 दिन तक भी ये मोबाइल दे देगा बैटरी बैकअप, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर है, जो स्क्रीन है 720p की स्क्रीन है, प्रोसेसर Helio P20 है, दोनों जो है वो कम बैटरी कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर बात करूँ रियलमी सी टू की, तो वहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि आपका 1.5 डे आराम से निकाल देगी। तो इन टर्म्स ऑफ बैटरी इन्फिनिक्स हॉट 8 क्लियरली विन करता है, और दोनों में आपको ड्यूअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड सपोर्ट मिलती है। लेकिन एक चीज़ जो रियलमी सी टू में नहीं है और इन्फिनिक्स हॉट 8 में है वो है फिंगरप्रिंट सेंसर। जी हाँ, रियलमी सी टू में आपको कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता, लेकिन इन्फिनिक्स हॉट 8 में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो प्लस पॉइंट है, जो इन्फिनिक्स हॉट 8 की तरफ जाता है। वैसे देखा जाए तो इन्फिनिक्स हॉट 8 बहुत ही अच्छी डिवाइस है, आपको परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम मिलती है, लेकिन ज़्यादा रैम मिलती है, ज़्यादा स्टोरेज मिलती है पहली बात, देन आपको जो है बैटरी बड़ी मिलती है इन्फिनिक्स हॉट 8 में 5000 mAh की बैटरी, देन आपको स्क्रीन बड़ी मिलती है, और जो बिल्ड क्वालिटी दोनों की सेम है। तो अगर मुझसे पूछे तो अगर आप कैमरा के लिए मोबाइल लेने तो रियलमी सी टू लें, लेकिन अगर आप बाकी चीज़ों के लिए फ़ोन ले रहे हैं तो इन्फिनिक्स हॉट 8 एक किलर है, मतलब एक किलर डिवाइस है, आपको किसी भी किस्म का इशू नहीं आने वाला। तो ये थी अच्छी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्द मैं अपना एक न्यू स्टोरी बना रहा हूँ उसमें वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें वीडियो भी अच्छी बनेगी। तो जो अभी थोड़ी डिम लाइट है उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी मेरे पास कोई अपना स्टूडियो नहीं है,
जैसे ही मेरा स्टूडियो रेडी होता है मैं वहां पर जाके वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू सो मच।